तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जय हिंद। जय हिंद आप सभी को। तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ऐसे ही आगे आप लोग हमारे ब्लॉग को प्यार देते रहिए। तो हम लोग आज नए टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, कौन सा जॉब अच्छा है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, ये है गवर्नमेंट जॉब में और मैं हूँ प्राइवेट जॉब में। तो आज हो जाए कंपेयर, देखते हैं कौन सा जॉब अच्छा है। बहुत लोगों का सपना होता है कि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक एज लिमिट रहता है तब तक वो जी जान से लगे रहते हैं। कई लोग प्राप्त कर लेते हैं, कई लोगों का सपना अधूरा रह जाता है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि प्राइवेट जॉब अच्छा नहीं है, कई लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है। तो आज देखते हैं, कंपेयर करते हैं किसका जॉब अच्छा है, किसका जॉब सेफ है, कौन अपने जॉब में एंजॉय कर रहा है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में लास्ट तक। इंजॉय तो दोनों कर रहे हैं, उसमें क्या हाँ, है। ऐसा नहीं है, एंजॉय हम दोनों कर रहे हैं, बट थोड़ा सा कंपेरिजन हो जाना चाहिए ना आज। इनकी जॉब और मेरी जॉब में आज क्या बोलते हैं कंपेयर करना है। किसका जॉब बेस्ट है। तो चलिए, तो शुरुआत करते हैं। मैं हूँ प्राइवेट जॉब में। मैं हूँ गवर्नमेंट जॉब में, फौज की नौकरी में। हाँ आपको पता ही है CISF में हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, सॉरी मैं तो प्राइवेट जॉब को बात करने वाली हूँ ना। तो प्राइवेट जॉब को प्राप्त करना इजी नहीं है, ये भी डिफ़िकल्ट ही है। तो ये भी आसानी से नहीं मिलता है हमको। बहुत सारे मतलब इंटरव्यू देने पड़ते हैं, बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। एक इंटरव्यू सेलेक्ट हुआ, दूसरे राउंड में रिजेक्ट, तीसरे राउंड में रिजेक्ट, तो इसमें रिजेक्ट उसमें रिजेक्ट, ये होते रहता है। अब आप अपना प्रोसेस बताओ। तो अपना गवर्नमेंट जॉब में भी इजी नहीं है, इस नौकरी को पाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े हैं, है ना। तो ऐसे ही ये भी आसानी से नहीं मिला है गवर्नमेंट जॉब भी, है ना। काफ़ी इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, आप लोग तो जान ही रहे होंगे जो भी अभी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे होंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई प्राइवेट में भी करनी पड़ती है। नहीं तो फिर भी मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सोचो उस मतलब कितना लाखों की भीड़ रहती है वहाँ, मतलब प्राइवेट में भी रहती है, ऐसा नहीं सभी में है, लेकिन फिर चलिए, भी गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत मेहनत करना पड़ता हाँ है, ऐसा बात नहीं करते हैं है। बेनिफिट्स की। तो मेरा जॉब है, मतलब मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हूँ, और इनका तो वर्क फ्रॉम होम है नहीं। मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट हमें भेजेगी, 4 4 साल का पोस्टिंग है CISF का तो पता ही है आपको, तो वही है, 4 साल में जहाँ जहाँ नचाते रहे। ये है कि हम ऑल इंडिया घूम सकते हाँ, हैं। इनके जॉब में ये फायदा है कि ये ऑल इंडिया घूम सकते हैं, इलेक्शन में भी जा सकते हैं। और मेरे में है कि मैं बस वही स्टिक हूँ, वही कंपनी में हूँ। इलेक्शन में जाने से फ़ायदा ये है कि आप और भी अलग अलग स्टेट, वहाँ के अच्छे अच्छे जो वहाँ की जगहें होती हैं, इलेक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो सब घूमते हैं, आप लोग देखते ही होंगे फौज वाले ऐसे ही करते हैं, तो अच्छे अच्छे जगह घूमने को भी मिलती है। हाँ, और दूसरा चीज आया जॉब सिक्योरिटी का। तो हमारे में जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, पीएफ कटता है वो। हम जब जॉब छोड़ेंगे तो पीएफ हमें पैसा मिल जाएगा, और पेंशन वगैरह का कोई सिक्योरिटी नहीं रहता। अगर आप बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस रहता है, अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंपनी हमें रखेगी, नहीं तो फिर वो उसका भी क्राइटेरिया होता है, इतने दिन में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो उसको निकाला जा सकता है। और अपना तो आप लोग को पता ही होगा, हमारे में 2 साल जब जब शुरू में जब ज्वाइन करते हैं तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, अगर उस बीच में आप हर कुछ गलती करते हैं, कुछ बड़ा गलती हो गया तो निकाल देता है, लेकिन 2 साल के बाद आप परमानेंट फिक्स हो जाते हैं कि आपको कोई जॉब से नहीं निकाल सकता, भले आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे देगा अगर आपकी सस्पेंड गलती कर देगा रहेगी, महीने। सस्पेंड कर देगा ये, लेकिन आपका जॉब सिक्योर रहेगा, आपके वाइफ बच्चों के लिए आपका जॉब अच्छा रहेगा ये। रहेगा ये, और हमारे में ये नहीं है कि जैसे इनके में रहता है ना गवर्नमेंट जॉब में, कि अगर कोई मर गया तो उसके बदले उनके उनके बच्चों और या फिर पत्नियों को पेंशन वगैरह या फिर जो भी देते हैं। और जॉब भी प्राइवेट मिल में, जाती हाँ, है। तो प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, ठीक है। अगर किसी को कुछ हो जाता है जो एम्प्लॉई है, तो उनको नहीं मिलता है। अगर क्वालिफिकेशन अच्छा है तो अपना दूसरा जॉब ले लेगा, वो जॉब या वो पेंशन नहीं मिलता है प्राइवेट जॉब में। अब नेक्स्ट नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं। मैं अपना बेनिफिट का बात करती हूँ। मेरे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहता है हमारी मेरे कोई जॉब छुट्टी में। नहीं है, हाँ, इनके हमारे में में कोई छुट्टी नहीं है, वीकली ऑफ बस, मतलब हमको एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता, क्या कोई संडे नहीं, कोई दिवाली नहीं, फेस्टिवल। कोई फेस्टिवल का छुट्टी नहीं। हाँ कुछ कुछ जगहों में मिलता है कि आपको एक दिन का, जैसे आदमी ज़्यादा है मान लो तो कुछ कुछ जगहों में आपको एक आध दिन की छुट्टी मिल जाती है वीकली ऑफ, बाकी जहाँ आदमी कम है तो वहाँ
आपको छुट्टियां नहीं नहीं मिलती मिली, और हैं। हमारे में फेस्टिवल में भी ले सकते हो छुट्टी, सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, तो मेरा छुट्टी के मामले में मेरा जॉब सही है। तो महीनों में मान लो हम 30 दिन जॉब कर रहे हैं, तो ये 22 दिन ही जॉब कर रही हाँ, हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जैसे ये छुट्टी लेके जाते हैं 1 महीने के लिए, तो सोचो 1 महीने तक कोई काम नहीं, कोई कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है ना, और हमारे में रहेगा तो ले 1 महीने की सकते हैं ही नहीं, लोगे तो 1, 2, 4, 5 दिन से ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो हम दोनों छुट्टी जाते हैं तो ये ऐसे ही होता है इनका, ये 1 महीने के लिए चले गए, इनको कोई डिस्टर्ब कोई कुछ नहीं होता, अपना फ्री रहते हैं, और मेरा मिलता नहीं है, तो हम दोनों के बीच में इसमें भी थोड़ा सा कहीं आने जाने में दिक्कत हो जाता है कि मुझे छुट्टी नहीं, इनको छुट्टी है, तो ये थोड़ा सा होता है। तो वही है, हमको छुट्टी लगभग साल भर में हमको लगभग वही है, हम लगभग 70 तक बना लेते हैं छुट्टी, है ना, 70 दिन तक का। और इनका कहाँ इतना ज़्यादा तो नहीं नहीं है बन ना, पाता है। हाँ लेकिन वही है, वीकली ऑफ इनको मिलता है 2 दिन, है ना, 2 दिन तो छुट्टी मिलती है सप्ताह में, और प्लस ऐसे कर करके तुम्हारा भी लगभग चालीस हाँ पचास दिन हो जाता है साल भर में छुट्टी। और बात करते हैं सैलरी की। सैलरी का हम लोगों के में रहता है परफॉर्मेंस के बेस पे रहता है ना, जितना अच्छा काम करोगे, जितना अच्छा आपका क्वालिटी वो सब रहेगा, तो आपको प्रमोशन या फिर आपकी सैलरी हाइक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इनके में मिलेगा तो सबको सिमिलर। हाँ, हमारे में क्या रहता है कि जैसे इंक्रीमेंट लगती है साल भर में, तो सबका सेम इंक्रीमेंट लगता है, मतलब वो बेसिक पे के डिपेंड करता है, जिसका बेसिक पे ज़्यादा है उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा लगेगा, जिसका कम है उस हिसाब से लगता है। तो मतलब आप लोग इसमें क्या रहता है, एक इंक्रीमेंट लगता है, और जुलाई महीने में डीए बढ़ता है, और जनवरी के एक जनवरी को डीए बढ़ता है, और 1 जुलाई को डीए बढ़ता है, मतलब मान के चलो तो 3 बार सैलरी थोड़ा बढ़ती बढ़ है। जाता है हमारा भी वैसे ही, हमारा साल में एक बार ही बढ़ता लेकिन है। एक चीज़ है कि आप लोग का गवर्नमेंट जॉब में जो प्राइवेट जॉब में जिस टाइप से भागता है ना सैलरी, उस वैसा टाइप से नहीं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत धीरे और सैलरी सबसे बढ़ता बड़ी है। बात हम लोगों को मिलता है दिवाली बोनस, वो भी थोड़ा अच्छा खासा। हाँ, तो इनको दिवाली बोनस अच्छा लगभग मिल जाता है, अभी इनको 25 लगभग मिल जाता है, 25,000। लेकिन हमारे गवर्नमेंट जॉब में, हमारे फौज में सभी, कोई सभी रैंक का हो, 7,000 रुपये मिलता है। तो ये फायदा है दिवाली वालों को, प्राइवेट कई जगह प्राइवेट में नहीं देते हैं शायद, लेकिन मिल जाता है ना। और रही बात प्रमोशन की, तो हम लोगों में प्रमोशन के चांसेस रहते हैं, जल्दी ग्रोथ भी कर सकते हैं, और इन लोगों में टाइम लिमिट रहता है ना, 15 साल हमारे में में ही। तो बहुत टाइम लगता है, मतलब एक प्रमोशन के लिए, हेड कांस्टेबल बनने के लिए आपको जैसे 3 पित्ती होते हैं, तो लगभग अगर 12 साल, लेकिन आपको एक मौका देता है, आप नौकरी आपका सेफ है, तो आप 4-5 साल बाद आप गवर्नमेंट, मतलब ये एग्जाम ले, डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो डायरेक्ट 1 स्टार आप बन सकते हैं, मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो ये फायदा है, अगर आप मान लीजिए नहीं बनते हैं, अगर ऐसा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके, तो लगभग आपको 12 साल लग जाते हैं आपको 3 पित्ती मिलने के लिए, हेड कांस्टेबल बनने के लिए, उसके बाद फिर और लगा लीजिए 10 साल तो ASI बनने के लिए। तो देखो कितना लंबा टाइम पीरियड है इनका। और रही बात जॉब स्विच करने की, हाइक की, तो हमारे में ये रहता है कि जैसे कि मुझे जॉब पसंद नहीं आ रहा, या फिर मुझे 4 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मुझे सैलरी नहीं जम रही है मेरी कंपनी में, तो मैं जाके दूसरे कंपनी में अप्लाई कर सकती हूँ, उसमें मुझे हाइक भी मिलेगा क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो ये फायदा रहता है प्राइवेट में कि हम स्विच करने से हमारा हाइक मिलता है। इनका अच्छा खासा सैलरी मिलता है, जैसे स्विच कर दिए कंपनी, तो इनकी सैलरी जैसे आज इस कंपनी में 40,000 कमा रहे हैं, अगर स्विच करके दूसरा कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो 60-70 लगभग जॉब मिल मिल जाएगी, जाता साठ है। सत्तर तक की। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं, अगर हम रिज़ाइन देते हैं, ठीक है, तो हमको कोई पूछेगा भी नहीं। तो यही बात है, तो यही है हमारा ये चीज़, हम अगर पैसे, अगर हम कम जॉब वाले, हमसे बेसिक पे जिसका कम है, अगर उसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो हमको लगभग 1.5 लाख पैसा भर के जाना पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा है जॉब हमारा, जैसे जो सैलरी है उससे ज़्यादा वाली जॉब है, तो उसमें आपको नहीं भरना पड़ेगा पैसा। लेकिन वही है, अगर आप ऐसे ही छोड़ के जाना चाहते हैं, तो फिर आपको कहीं भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम सोचोगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं एज है। क्योंकि आपका निकल जा रहेगा, पहली बात कोई छोड़ेगा नहीं, हाँ, एंड जब तक आपके हाथ में दूसरा जॉब नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, खासकर गवर्नमेंट जॉब वाले तो, है वो तो ना। है। तो इनके में मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं? है मेरे में भी है मेडिकल फैसिलिटी में, वही है जो अपना इंश्योरेंस रहता है, वो रहता है साल भर में कि आप वो रिइम्बर्समेंट करा सकते हो टाइप सा, बट मुझे उतना उसका नॉलेज नहीं है, मैं उसको उतना यूटिलाइज नहीं करती हूँ। इनके में तो बहुत फायदा हमारे है। में मम्मी पापा, है ना, वाइफ और बच्चों का
फ्री में इलाज हो जाता है, ठीक है। तो ये फायदा है, अच्छा प्लस मेडिकल एजुकेशन। फैसिलिटी मिलती है, एजुकेशन, जैसे बच्चों का, दो बच्चों के लिए गवर्नमेंट आपको साल भर में लगभग, अभी बढ़ गया है, 33-35 हज़ार रुपये मिलता है साल भर में, ठीक है। और आप पोस्टिंग होकर कहीं जाते हैं, मान लीजिए तो आपका बच्चा अगर केवी में पढ़ता है तो आपको तुरंत आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो केवी में एडमिशन के लिए लाइन लगाना पड़ता है वहाँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लोग को तुरंत मिल जाता है, तो ये सबसे फायदा बेस्ट है। मुझे यही लगता है कि केवी जो है, अगर कोई पेरेंट्स अगर वो है मतलब कि गरीब है, नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते, तो केवी बेस्ट है कि केवी तो इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई है ना, तो वो मुझे अच्छा लगता है इनके ऑफर्स में कि सीबीएसई मिल जाता है। और कुछ और कुछ आप लोग बताइए, हमको तो बस याद नहीं आ रहा और कुछ क्या पॉइंट है। तो यही है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में अंतर, लेकिन हाँ दोनों जॉब अच्छी हैं ऐसा हमारा, लेकिन वही है शिफ्ट वाला टाइमिंग, इनका शिफ्ट है जैसे एक ही शिफ्ट है एक ही मेरा। शिफ्ट रहता है हम, और हमारा में क्या रहता है, ए बी सी शिफ्ट है ना, तो हमारी ए शिफ्ट रहती है सुबह 5 से 1 बजे तक दोपहर, बी शिफ्ट रहती है दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक, और सी शिफ्ट रहती है रात 9 बजे से सुबह 5 बजे और तक। मेरे जॉब में सैलरी मेरा इतने तारीख को आना है तो इतने तारीख को आ ही जाता है, ये नहीं कि आज हाँ मार्च है, ये है वो है, कोई मतलब नहीं, आना है तो आ ही जाएगा। नहीं, हमारे में भी ऐसे ही है, बस हमारा में मार्च टाइम में ही मार्च का जो सैलरी रहता है वो अप्रैल के 3-4 तक मिलता है, बाकी हर महीने की सैलरी महीने के लास्ट दिन में फिक्स है कि आपको मिल ही और जाएगा। दूसरी बात, लड़कियों को तो सबसे पहले ड्रेसेस पे बहुत रहता है ना, लड़कियां एक से एक ड्रेस पहन के जाती हैं, भले 30 हज़ार कमा रही लेकिन स्टैंडर्ड हाई रहेगा ऑफिस जा रही है तो। और लड़कों का ये वाला जॉब में हमारे एक ही में यूनिफॉर्म पहनना है बस, एक ही यूनिफॉर्म पहनना है, और हाँ हेयर कट वो सब भी एकदम प्रॉपर रख हमारे नहीं में देखो ऐसा सकते। है कि डेली शेविंग चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, किनारे किनारे के खासकर, ठीक है, पूरा डिसिप्लिन है फोर्स में, तो यार डिसिप्लिन है पूरा, हाँ थोड़ा सा भी अनडिसिप्लिन हुए आपकी नौकरी खराब हो जाएगी, यही है फोर्स का नौकरी, और बहुत नियम है फौज का नियम, जैसे छुट्टी गए आपको जिस तारीख को आपका जहाँ तक छुट्टी है अगर उस तारीख को आपको ज्वाइन करना है तो करना ही है, नहीं किए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए चाहे कुछ आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको उस ज्वाइनिंग दिन डेट में करना ही ज्वाइनिंग है, डेट में ज्वाइनिंग करना ही है, तभी ठीक आप है। लोगों ने बहुत सारे रील्स में देखा होगा शादी के नेक्स्ट डे या उसी रात में कॉल आ जाता है कि आपको आना है तो तुरंत पहुंच जाता है ना, ये सच बात है। तो और क्या कुछ, और तो वही है कि इन लोगों में, हमारे में भी नहीं मिलता है वैसे, हम लोगों में होते रहता है, प्राइवेट जॉब वालों की होगी, कुछ कुछ पार्टी वार्टी होते रहती है, फंक्शन होते रहते हैं, इन वो लोगों तो का तो हमारे मुझे में भी होता है लेकिन इस यूनिट में नहीं है ऐसा, बाकी जगहों में अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी यूनिटें हैं, वहाँ पार्टी शार्टी या फौज के पार्टी तो देखे ही होंगे आप लोग, तो काफ़ी इंजॉय, और क्वार्टर्स मिलते हैं है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं तो अच्छी है हाँ, जॉब। रहने की फैसिलिटी है इन लोगों को, मतलब क्वार्टर क्वार्टर मिलेगा, बिजली इलेक्ट्रिक और ये पानी वानी का सब जिन कुछ जगहों है। में क्वार्टर नहीं मिलता है वहाँ आपको एचआरए मिल जाता है तो अच्छा है, एचआरए हमको भी मिलता है, लेकिन वही है क्वार्टर फैसिलिटी तो नहीं नहीं देता है ना, मिलता, हाँ वो तो है, तो सही बात आप अपने है। से तो किराया लेके रह हाँ, सकते हैं। कंपैरिजन करने से तो कोई मतलब दोनों जॉब अच्छे हैं, इससे घर चल रहा है, अपना पेट चल रहा है, और क्या चाहिए, पैसा मिल रहा है, दोनों जॉब ही सही है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग इसीलिए ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, मतलब मैं खुद शादी के लिए, मेरे माँ बाप का भी यही सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब वाले से ही करूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ये सोचती है ना कि गवर्नमेंट जॉब रहता है तो, जैसे कोरोना टाइम में था, कोविड में देखा होगा आप लोगों ने, प्राइवेट जॉब वालों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जैसे कई कंपनियाँ होती हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकती है ना, लैपटॉप वैपटॉप प्रोवाइड नहीं कर सकती है, वो लोगों को क्या करना पड़ा, कंपनी बंद करना पड़ा या फिर अपने एम्प्लॉय को बोला कि रिजाइन दे दो आप लोग, तो बहुत सारी कंपनी ऐसे हुई कि बहुत सारे लोगों को निकाल दिया था कोरोना टाइम में। और गवर्नमेंट जॉब वालों का तो दैट का ही महीना मतलब महीना आ में रहा आ था जा सैलरी, रहा था, घर चल लास्ट रहा था, लास्ट में आ ही जा रही थी आ ही सैलरी, जा तो रही गवर्नमेंट जॉब में यही है आपका सिक्योर है लाइफ है ना, थी। आपके बीवी बच्चों का लाइफ सिक्योर हो जाता है, प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में अगर जो जॉब कर रहा है वो छोड़ दिया तो फिर उसके बाद आगे वाले को बेनिफिट नहीं मिलता है, तो यही है, लेकिन जॉब देखो सब अच्छी है, मैं तो लेकिन ये, आप, मैं बताऊं, तरक्की सबसे ज्यादा प्राइवेट में है। हाँ तरक्की तो ये चीज़ हाँ है, अगर आप जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा तरक्की आपका प्राइवेट जॉब में है, आपको एक्सपीरियंस बेस से आपको आप बहुत ज़्यादा सैलरी पहुंच जाएगा, गवर्नमेंट वाला उतने ही में वहीं रह वहीं बैठे जाएगा, रहेगा।
लेकिन प्राइवेट वाला जस्ट डबल का डबल कमाएगा, तो ये फायदा है प्राइवेट में। लेकिन वही है, एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रेशर भी बहुत स्किल रहता अच्छा है, होना चाहिए स्किल रहे, आपका, प्रेशर झेलने का वो प्रेशर रहना झेलने चाहिए, का क्या बोलना चाहिए, आना चाहिए आपको टेक्निक रहना चाहिए कि कैसे टेक्निक। हैंडल करना है, तो बहुत ग्रोथ कर सकते हैं प्राइवेट में भी। तो होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, हम दोनों को, जॉब वालों को, आप लोगों को पसंद आया होगा किसका जॉब कितना अच्छा है, कितना सिक्योर है, तो आप लोगों ने इंजॉय किया होगा हमारा ब्लॉग। तो आप लोग इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग ने बहुत अच्छा हमें रिस्पांस दिया है, तभी हम डेली वीडियो बना लेते हैं डेली रूटीन के, है ना। आप अच्छा व्यू मिल दे रहे हैं हमें, तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। और हम लोग एंजॉय भी करते हैं वीडियो बनाने बनाने टाइम में, हाँ, हम मतलब लोगों हम ने लोग आज कभी के, प्लान नहीं बनाते हैं हाँ कि या नहीं ऐसा बोलना है वैसा बोलना है, बस आज का अभी टॉपिक, बैठे जैसे, हाँ आज का टॉपिक सोच लिए कि ये बनाना है, बस बना दिए, ऐसा है। ये नहीं सोचते कि इसके लिए हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं। देखो अभी बैठे आपके बन सामने बना दिए हैं, बस हाँ जो आप जो लोग लग बस, रहा है, हाँ आप लोग बस इंजॉय कीजिए, यही आशा करते हैं। तब तक के लिए हम लोग जय। अपना कपल ब्लॉग बहुत जल्दी डालने वाले मैं हैं। अभी आपको SSC GD का अपना फिजिकल मेडिकल का जर्नी भी शेयर करने वाला हूँ, तो जल्दी करूँगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, रोज देखते रहिए, रोज नया नया ब्लॉग आप लोगों को मनोरंजन करने का कोशिश करेंगे, हम लोग कर ही रहे हैं। तो आप लोग भी कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए, हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं सब आप लोगों लोग को यही पसंद बोल रहे हैं, आएगा। लव मैरिज में बनाइए, तो बनाएंगे उसमें, ठीक उसी है। पे आगे लय पे बढ़ते ही आ रहे हाँ हैं, पहले इनका फिजिकल फिजिकल वाला होने दो, उसके बाद जब हमारा चालू हुआ लव स्टोरी उसी पे ही है, फिर बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, खुश बाय, रहिए आप थैंक यू लोग। फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।